पाक फौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। ISPR के जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकत की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीदी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के इल्जाम भी साबित हुए। जितना बड़ा अहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़ह बयान दे चुके हैं। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फौज के खुद एहतसाबी के खुदकाल तफसील से बयान कर चुके हैं। उनका कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी कड़ा सख्त शफाफ खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। हमें अपने एहतसाबी निज़ाम पर फख्र है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।